हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने बबल चार्ट को जो है कंट्रोल को यूज़ करना है, बबल चार्ट ग्राफ को जनरेट करवाने के लिए। तो बेसिकली आज की जो एग्जांपल है वो एक स्टैटिक बबल चार्ट ग्राफ है। इसके बाद में जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप डायनामिकली जो है बबल चार्ट ग्राफ को जो है डेटाबेस से जो वैल्यूज रिट्रीव करवा के उसको जनरेट करवा सकते हैं। मगर सबसे पहले आपका जो स्टैटिक बबल चार्ट ग्राफ है उसको कैसे जनरेट करते हैं वो समझना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को अपलोड कर रहा हूँ कि स्टैटिकली जो है आप बबल चार्ट ग्राफ को कैसे जनरेट करवा सकते हैं बबल चार्ट कंट्रोल की हेल्प के साथ, जो कि हमारे पास एजेक्स की जो टूल किट है उसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं पास हैं उनको एज ए ग्राफ जो है प्रिंट करवाया है बबल चार्ट की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं ब्लू के ऊपर करूँगा, ब्लू के ऊपर आप देख रहे हैं मेरे पास जो है लिखा आ चुका है इंग्लिश 35, और अगर मैं येलो के ऊपर करता हूँ हिंदी 45, और अगर मैं ग्रीन के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि मैथमेटिक्स 65। तो इस तरीके का ग्राफ जो है आपने कैसे जनरेट करवाना है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं वो कोऑर्डिनेट है एक तरह के, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस देख रहे हैं उनको भी एज ए कोऑर्डिनेट यूज़ करना है हमने पर्टिकुलर बबल को उस पोजीशन के ऊपर जो है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो चलिए इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET MT वेबसाइट, और यहाँ पे आपने जो है फोल्डर का पाथ जो है प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आपका आज के एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो आपके PC और लैपटॉप के ऊपर पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो है सेव होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ बबल चार्ट 3 और ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आप फ्रेंड स्टूडेंट देख सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं ऐड न्यू आइटम। अब हमने यहाँ से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है वेब फॉर्म। एक ब्लैंक वेब फॉर्म को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डिज़ाइन के ऊपर। तो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट के अंदर हमने जो सबसे पहला कंट्रोल जो टूल बॉक्स में से यूज़ करना है वो है लेबल कंट्रोल। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं लेबल कंट्रोल, और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा लेबल कंट्रोल के ऊपर तो आप देख सकते हैं लेबल कंट्रोल जो है मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और साथ में जो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी है, कंसेप्ट की नॉलेज है, वो लाइव एग्जांपल के थ्रू और भी इम्प्रूव होगी, आपकी नॉलेज और भी इंक्रीज होंगी, और आप हमारे साथ जो अपने आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है शेयर कर पाएंगे। तो चलिए टूल बॉक्स में से एक लेबल को और इंसर्ट करते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिख देते हैं यूज बबल। आज का हेडिंग जो हमारे प्रोजेक्ट का है वो लिख देते हैं बबल चार्ट कंट्रोल विद एजेक्स टूल किट ASP.NET और C#। तो चलिए जैसे ही फॉर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रेड कलर कर देता हूँ इस लाइन का। अब मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब भी आपने एजेक्स के रिलेटेड किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, चाहे वो
एजेस के टूल किट के कंट्रोल्स हों और या फिर सिंपल एजेस के रिलेटेड कंट्रोल्स हों, तो एक कंट्रोल सबसे पहले अपने वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट करना है। उसको कभी नहीं भूलना कि आप उसको इंसर्ट ना कर पाएँ, उससे आपका आपका प्रोजेक्ट वो रन नहीं हो पाएगा। तो आज की एग्जांपल के अंदर भी हमने एजेक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो इसीलिए एजेक्स का एक पट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है, उसको मैं इंसर्ट करता हूँ अपने वेब फॉर्म के ऊपर। तो उस कंट्रोल का नेम है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो बेसिकली इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो नहीं है, मगर जो सारी फंक्शनैलिटी को इम्पोर्ट करने का काम है आपके वेब फॉर्म के अंदर, वो स्क्रिप्ट मैनेजर का ही है, इसलिए इसको ऐड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आज का हमारा जो कंट्रोल है, मेन कंट्रोल है एजेक्स की जो टूल किट है उसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजेक्स की जो कंट्रोल टूल किट है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है 15.1। तो अगर आपको नहीं पता कि एजेक्स की टूल किट को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे ही चैनल के ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी रेफरेंस आप ज़रूर ले लें। उसमें हमने बताया कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजेक्स की टूल किट को डाउनलोड कर पाएंगे इंटरनेट से और उसको इंस्टॉल कर पाएंगे अपने पीसी और लैपटॉप के अंदर विजुअल स्टूडियो .NET के अंदर। तो चलिए यहाँ से मैं अपने आज का कंट्रोल जो है उसको डबल क्लिक करके ऐड करता हूँ वेब फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बबल चार्ट कंट्रोल जो है एजेक्स की टूल किट के अंदर वो दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बबल चार्ट है उसका जो लिटिल व्यू है वो दिख रहा है हमारे पास वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सारी सोर्स के अंदर करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल चार्ट के रिलेटेड जो है कोडिंग आ चुकी है। अब हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले चार्ट की जो हाइट है उसको सेट कर देते हैं और यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ हाइट। अब मैं इसका जो विड्थ है वो भी 500 कर देता हूँ। अब इसका जो चार्ट का टाइटल है वो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट पास्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट वाइज। अब हम यहाँ पे जो है चार्ट का जो टाइटल का कलर है वो सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। अब हमने जो है बबल चार्ट की जो वैल्यूज सीरीज है कह सकते हो, डेटा सीरीज है, उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट को लिखेंगे और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे बबल चार्ट वैल्यूज लिखा आएगा हम उसको टैब के थ्रू जो है सेलेक्ट करेंगे और बाद में इस टैग को क्लोज करके इस दोनों टैग के अंदर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम डेटा सीरीज को ऐड करेंगे। यहाँ से फिर से ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और टैब के थ्रू इसको सेलेक्ट करके इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स को सेट करेंगे। सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ पे कैटेगरी को सेट कर सकते हैं, कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश और उसके बाद में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। फिर हमने यहाँ पे डेटा लिखना है कि नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स कितने थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 35। और अब हमने यहाँ पे जो है बबल चार्ट का जो कलर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं इसके अंदर बबल चार्ट साइज़। तो यहाँ पे मैं जो बबल का साइज़ है वो मिनिमम 5 कर देता हूँ, तो मैक्सिमम जो होगा वो अपने अकॉर्डिंगली हो जाएगा डेटा के अकॉर्डिंगली। तो चलिए यहाँ पे पहली सीरीज जो है सेट हो चुकी है। अब हम सेकंड फिर से दोबारा इसको सेट करते हैं कैटेगरी और यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट का नेम लिखते हैं और अपने एक्स की वैल्यू देनी है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड हैं और यहाँ पे बबल का जो कलर है वो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो। इसको क्लोज कर देते हैं, एक और डेटा जो है डेटा सीरीज ऐड कर देते हैं, कैटेगरी लिख देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम मैथमेटिक्स।
और यहाँ पे x की वैल्यू 30 कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख देते हैं 3000, और यहाँ पे जो डेटा है वो लिख देते हैं 45, और यहाँ पे जो बबल का कलर है वो सेट कर देते हैं ग्रीन। तो चलिए बबल की जो कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्लोज़ कर देते हैं क्लोजिंग टैग के साथ। तो हमारे पास बबल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं, मगर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की जो कोडिंग है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और बाद में जो बबल चार्ट के वैल्यूज़ की सीरीज़ थी वो हमने ऐड कर दी है। तीन सीरीज़ को ऐड किया था, तीन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के रिलेटेड। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, डिज़ाइनिंग है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है स्टूडेंट पास्ट परफॉर्मेंस जो है सब्जेक्ट वाइज आ चुकी है। बबल चार्ट जो है प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लू वाले बबल के ऊपर कर्सर को लेके जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश 35 हमारे पास लिखा आ चुका है। अगर मैं येलो के ऊपर करूँ तो हिंदी 55 लिखा आ चुका है, और अगर मैं ग्रीन के ऊपर करूँ तो मैथमेटिक्स में 45 स्टूडेंट जो है पास हैं वो हमारे पास एनालिसिस आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप बबल चार्ट ग्राफ को यूज़ कर पाएंगे अपने ASP.NET के अंदर। तो ये एक स्टैटिक बबल चार्ट ग्राफ था। इसके बाद मैं आपको जो वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा वो होगा डायनेमिकली जनरेटेड बबल चार्ट ग्राफ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको अगर पता चल चुका है कि ग्राफ चार्ट को कैसे जनरेट करते हैं, बबल चार्ट ग्राफ को कैसे जनरेट करते हैं, और बबल चार्ट कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है, बेसिकली बबल चार्ट कंट्रोल किस लिए यूज़ होता है एजेस की टूल किट के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल्स हम इस चैनल के ऊपर डेली अपलोड करते रहते हैं। और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी जल्दी से कर दें। और इसी तरीके से अपनी सपोर्ट जो है हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, और सीखते रहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और अपने आइडिया जो है हमारे साथ कमेंट के थ्रू या फिर बाय मेल हमारे सेंड कीजिए, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करके इस वीडियो के ऊपर जो है, इस चैनल के ऊपर जो है अपलोड कर पाएँ। थैंक्स फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल और वॉचिंग आवर वीडियोज़।